स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इटावा में गैरेज संचालन करने वाले व्यक्ति पर रुपए के लेन देन को लेकर एक बदमाश ने मारपीट कर ईंट से हमला कर दिया, जिससे गैरेज संचालक घायल हो गया। इधर इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं होने को लेकर करनी सेना ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। करनी सेना के लोगों का कहना था कि गुलाब सिंह इटावा में गैरेज संचालित करता है। इटावा के रहने वाले गौरी शंकर ने अपने वाहन का काम गिरीश से करवाया था, लेकिन रुपए देने को लेकर आनाकानी कर रहा था। इस बात को लेकर गैरेज संचालक गुलाब सिंह ने पुलिस को आवेदन दिया कि गौरी शंकर उसे धमकी दे रहा है। पुलिस ने शिकायत करने की बात से नाराज गौरी शंकर ने गैरेज संचालक गुलाब सिंह के साथ मारपीट की और ईंट से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। करनी सेना का कहना है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाने के साथ उस पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। राज रुदन सिंह पवार। क्या मामला हुआ कि पूरी करनी सेना सिविल लाइन थाने पर पहुंची है? मामला है कि गुलाब सिंह भीमसी, जिनका इटावा में न्यू कालिका ऑटो पार्ट्स के नाम से गैरेज है, जो कुछ पैसे का लेन देन था, जो अपराधी है गौरी शंकर नाम का, इटावा में रहता है, उनके घर पे पैसे लेने गए तो उन्होंने जानसन मारने की धमकी दी और बोला कि तुझसे बना जो कर लेना, तेरी पूरे आज पे समाज को लेना, करनी सेना को लेना, वो पूरे संगठन को इकट्ठा कर लेना, जो उखाड़ सकता है उखाड़ लेना हमारा। उसके बाद में हमने थाने पे FIR करवा, उसके खिलाफ आवेदन दिया कि साहब ये हमारे को अपराधी ये कर रहा है गोरी गोरू और एक शुभम रंगवंशी। अभी आप यहाँ सिविल लाइन थाने पहुँचे, क्या कार्रवाई की गई है थाने के द्वारा? थाने पे दो दिन पहले भी हमने आवेदन दे दिया था कि ये जान से मारने की धमकी दे रहा है, पर थाने वाले ने कुछ कार्रवाई नहीं करी थी। उसके बाद में कल रात को गौरी शंकर ने गुलाब सिंह पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पत्थर मारा और सिर में गंभीर चोट आई, जो अभी MG हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी जांच और उपचार चल रहा है। अभी थाने वाले पर कार्रवाई करी, रात को भी हमने FIR करवा दी थी, जिसमें कुछ हल्की धाराएं अभी पुलिस द्वारा लगाई गई है और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। दो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? क्या विवाद? पुराने पैसे के लेन देन के लेकर हुआ था। गैरेज में काम किया था, उसके विषय में जिनने मारपीट करी, उनके क्या नाम है? मारपीट करा उनने, गौरी शंकर नाम उसका, जो पूर्व में अपराधी है, वो गुंडा गुंडा है यहाँ पर उनके थाने में, किसे कैसे पहले के बहुत कैसे उसके खिलाफ। क्या शुभ नाम है भैया आपका? राज रुदन सिंह पवार। और क्या पद है आपका? करनी सेना सिंह राजपूत नाम है मेरा, प्रदेश महामंत्री का पद है मेरे पास। हम आज थाने में आए थे, TI साहब को हमने बात करी, TI साहब से फ़ोन पर, TI साहब ने बोला दो दिन में कार्रवाई हो जाती है, अगर दो दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो 5 तारीख को करनी सेना इकट्ठा होगी, जो भी आंदोलन होगा वो करेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह राजपूत। गौरी नाम का लड़का था इटावा का, उसका अपन ने काम किया था 20-25 दिन पहले गाड़ी का, पेमेंट लेना था उससे 10,000 रुपये। मैं उसके घर गया था, उसकी माँ मिली थी, उसकी माँ ने बोला कि बेटा 2-3 दिन में पैसे दे देंगे, तो मैं वापस मेरे घर आ गया। फिर मैं बाहर चला गया था धार, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया शाम को करीबन 7:35 पर, और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, बोले इटावा में तो दे दिया था, वो जान से मार देंगे और तू तो घर कैसे आया पैसे मांग रहे। तो मैंने भाई पैसे का मामला है, दे दे के निपटा लो। तो उसने धमकी देने के बाद में फिर बाद में मैं डायरेक्ट आया पुलिस थाने, मैं सिविल लाइन थाने में मैंने ज्ञापन दिया रात को कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मेरे पास में प्रूफ पड़ा हुआ है, रात को दिया था, दिन में ज्ञापन दे के आया वापस से मेरे इधर से, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी और मेरे ऊपर वार हो गया। अभी आपने FIR दर्ज कराई है उनके ऊपर? हाँ करवा दी। कहाँ पर है आपकी दुकान? मेरी इटावा भैरुमा चौराहे पर। कितने पैसों का लेन देन था आपका? 10,000 रुपये का। क्या नाम है आपका? मैं गुलाब सिंह राजपूत। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 न्यूज के साथ। नमस्कार।